कबराई थाना क्षेत्र में आने वाले मकरबई गांव के समीप अराजकताओं ने एक ही समय पर दो घटनाओं को अंजाम दिया। अंजाम दी जाने वाली इस वारदात में एक व्यक्ति को गोली लगी तो वहीं दूसरे व्यक्ति के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। जनपद में पुलिस कप्तान बदलने के बावजूद भी अब तक अपराधों में कमी नहीं आई। लगातार बढ़ती घटनाओं ने जनता के बीच दहशत का माहौल बना रखा है, जहां एक ओर पुलिस द्वारा मार्च पोस्ट निकालकर अराजकता पर नकेल कसने की पूरी जोर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के नाक के नीचे बढ़ते अपराध खाकी के वजूद पर सवाल निशान लगा रही है। गोली और कुल्हाड़ी से बुरी तरह घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सालय में फौरन उपचार के उपरांत दोनों घायलों को झांसी रेफर कर दिया गया। नाइट से मकरवरी जाते समय रास्ते में एक नाला है, उसी नाले में आपस में झगड़ा हुआ है। एक व्यक्ति दिल्ली प्यादों को 12 बोर की गोली लगी है कमर के नीचे साइड से, और एक जो बहादुर है उनको सिर में चोट लगी है, कुल्हाड़ी से बताया जा रहा है। मौके पर घटनास्थल पर जाकर के ज्ञात किया जा रहा है, जैसे ही ज्ञात हो जाता है या कोई दवाई मिलती है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, गिरफ्तारी की जाएगी और बाकी उन्हें जो चोटिल हैं उनको हॉस्पिटल में आवश्यक इलाज मुहैया करा करके झांसी के लिए रखा। मकरबई का ये हादसा है, मकरबई के दो पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में आए हुए थे, जो दिलीप यादव और राज बहादुर नाम के दो मरीज आए हुए थे, जिसको एग्जामिन करने से पता पड़ा कि दिलीप यादव को गन शॉट का मामला था, इंटर एग्जिट वन आर प्रेजेंट था एब्डोमेन में और उसका इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा थी, स्प्लीन रप्चर्ड होने की पूर्णतः संभावना, तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। और जो बहादुर सिंह आया तो उनको कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया है, उनके फोरहेड पे चोट है और उनका ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चल रहा है, उनकी हालत ठीक है।